गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर SS वीडियो क्लास। आई होप यू ऑल एंजॉयड योर जन्माष्टमी वेकेशन। नाउ वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अवर टर्म वन एग्जामिनेशन। एज यू नो, इन टर्म वन एग्जामिनेशन वी हैव PA1 सिलेबस एंड टर्म वन सिलेबस। सो ऑल टुगेदर 1 to 9 चैप्टर्स आर देर। 10th चैप्टर इज कमिंग इन योर PA2 एग्जामिनेशन। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट वन। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट अवर रिविजन विथ फर्स्ट चैप्टर। दैट फर्स्ट चैप्टर नेम इज, फर्स्ट यू हैव टू राइट, आई होप यू ऑल गॉट योर PDF। आप PDF में से प्रिंट निकाल दो। और फर्स्ट चैप्टर नेम इज यूनिवर्स एंड द अर्थ। फर्स्ट चैप्टर नेम इज द, अवर फर्स्ट चैप्टर इज यूनिवर्स एंड द अर्थ। यूनिवर्स एंड द अर्थ इज अवर फर्स्ट चैप्टर नेम। सो यूनिवर्स एंड द अर्थ। द यूनिवर्स इज अ ह्यूज एंड एंडलेस एक्सपांशन ऑफ अ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स विद द ऑल द हेवनली बॉडीज विच आर नोन एज अ गैलेक्सीज। यूनिवर्स में हमारा जो ये पूरा पृथ्वी और आकाश ये जो भी है, उसमें से हेवनली बॉडीज मीन स्टार, अर्थ, मून, सेलेस्टाइल बॉडीज, आकाश गंगा, मिल्की वे, ये सब मिला के क्या होती है? गैलेक्सीज। लुक एट द स्काई ड्यूरिंग डे एट नाइट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। दिन और रात में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? दिन में सूरज दिखते हैं और रात में हमें चांद तारे दिखते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम स्काई लुक्स ब्लू विद द क्लाउड्स। क्लाउड के साथ स्काई हमें ब्लू दिखती, बट एक्चुअली इट इज नॉट ब्लू। इन फैक्ट द स्काई अराउंड द अर्थ इज जस्ट वास्ट स्पेस। वो तो ऐसे ही बड़ा एक स्पेस है, वो ब्लू कलर नहीं है। द अर्थ इज सराउंडेड बाई द लेयर्स गैसेस कॉल्ड एटमोसफियर। अर्थ को जो सराउंडेड एरिया है, लेयर्स जो है, उनको हम क्या बोलते हैं? एटमोसफियर बोलते हैं। इन द स्काई वी सी द सन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड स्टार्स एंड मून एट द डार्क नाइट इन क्लियरली। क्लियरली हम रात में वो देखते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज मीन्स हेवनली बॉडीज। नाउ अवर्स इज, नेक्स्ट वन इज द यूनिवर्स। अवर अर्थ इज टाइनी पार्ट। द गैलेक्सी कॉल्ड आकाशगंगा। जो ऊपर से हमारे अर्थ है ना, कैसे दिखता है? एक टाइनी पार्ट दिखता है हमारा स्काई में अर्थ जो है वो, और बाद में कॉन्स्टलेशन एंड स्टार्स भी है। स्टार्स जो है ड्यूरिंग द नाइट दिखते हैं। मिलियंस ऑफ स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। इन फैक्ट ऑफ स्टार हेवनली बॉडीज मच बिगर देन अर्थ। अर्थ से भी बहुत बड़े हैं, बट वो हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए वो क्या रहते हैं? छोटे छोटे दिखते हैं। द स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। द स्टार्स हैव ओन देयर ओन हीट एंड लाइट एट लाइक द सन। हमारा मून एंड अर्थ जो है, बाकी जो है वो हम किसके डिपेंड अपॉन है? सन के ऊपर डिपेंड है, बट ये जो स्टार है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। उनका खुद का लाइट एंड हीट वो खुद पाते हैं। डू यू नो वी यूज टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व स्टार्स एंड सेलेस्टाइल बॉडीज इन द स्पेस एंड द ऑर्डर अदर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से दूर जितने भी ऑब्जेक्ट है उनको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अपना कैलेस्टाइल बॉडी को, सेलेस्टाइल बॉडी को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम अपना टेलीस्कोप यूज करते हैं। वी कैन सी मैनी ग्रुप्स ऑफ स्टार्स इन द डिफरेंट पैटर्न्स इन द डार्क नाइट्स विच आर कॉल्ड द कॉन्स्टलेशन। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन, देन ग्रेट बियर, पोलार, ध्रुव तारा, इन द नाइट वी कैन सी वेरी ब्राइट स्टार इन द नॉर्थ डायरेक्शन विच इज नोन एज अ ब्लू स्टार, सॉरी पोल स्टार बोलते हैं। वो डायरेक्शन कभी नहीं चेंज करता है, वो हमेशा कौन से स्टाइल में रहता है? नॉर्थ। और सन एंड द सोलर सिस्टम। द सन इज द स्टार नियरेस्ट टू अवर अर्थ। इट इज राउंड ह्यूज बॉल ऑफ फायर मेड अप ऑफ अ हॉट एंड बर्निंग गैस। हमारा सोलर सिस्टम में बीच में कौन है?
हमारा सन है, नज़दीक है, हमारा अर्थ जो है थर्ड प्लैनेट है, और सन हमें हीट एंड लाइट देते हैं और उससे हम सोलर एनर्जी बनाते हैं। द सन रेजेस रीच द विद इन अर्थ इन 8 मिनट्स। 8 मिनट्स में हमें सन का जो रेज है वो पहुँचते हैं। इन द स्पेस द सन एंड द प्लैनेट्स देयर सेटेलाइट एंड एस्ट्रोइड्स पीस ऑफ रॉक्स एंड डस्ट ऑल टुगेदर फ्रॉम द सोलर सिस्टम विद सन बीइंग देयर सेंटर। बीइंग देयर सेंटर मीन्स सन उनके बीच में है, बाकी सब उनके गोल गोल। ऑल द प्लैनेट्स विद देयर सेटेलाइट मूव एंड रिवॉल्व अराउंड द सन एट डिफरेंट डिस्टेंस एंड स्पीड। वो अपने अपने पथ पे चलते रहते हैं डिफरेंट डिस्टेंस में। ओके, सो वी नो अबाउट सोलर सिस्टम। सन इज इन बिटवीन द बीइंग टुगेदर सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सो ऑल प्लैनेट्स देयर सेटेलाइट्स मूव एंड रिवॉल्व सन के चक्कर लगाते रहते फिक्स्ड पाथ पे, उसका जो ऑर्बिट रहता है उसमें। ऑल्सो रोटेट बाय देमसेल्व्स द देर आर 8 प्लैनेट्स दैट गो अराउंड द सन। देर आर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूनस एंड नेपच्यून। अर्थ अ लिविंग प्लैनेट, द अर्थ इज अ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन विच रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। वी वेर इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन वंस इन एवरी 24 आवर्स। हमारा जो अर्थ है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है हम अपने सन के लिए अपना सोलर सिस्टम में, और ये अपने ही उस पर रोटेशन करता रहता है एक्सिस में। उसको 24 आवर्स टाइम लेता है, इससे हमें दिन और नाइट होते हैं। और अर्थ गोज अराउंड द सन 365 डेज, 1/4 डेज लेता है, तो 1 ईयर। दिस मोमेंट इज कॉल्ड अ रेवोल्यूशन। ओके, दिस इज अबाउट अवर अर्थ। नेक्स्ट वन इज अराउंड द सन नोन एज अ रेवोल्यूशन। जो सन का चक्कर लगाते हैं वो रेवोल्यूशन है, जो अर्थ अपना एक्सिस के ऊपर घूमता है तो वो रोटेशन है। द अर्थ हैज अ एयर वाटर सॉइल सुटेबल टेम्परेचर एंड कंडीशन टू सपोर्ट लाइफ, सो देर इज अ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। Our Earth is the only planet in the solar system which life exists. हमारा पूरा सोलर सिस्टम में अर्थ में ही हमें जो भी चाहिए हमें जीने के लिए, वो सब सूटेबल टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, फूड सभी हमें यहाँ पे ही मिलता है, इसलिए हम अर्थ पे लिविंग थिंग्स रहते हैं, लाइफ होती है। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट है, और जुपिटर इज द लार्जेस्ट, एंड नेपच्यून इज द फर्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सुनिए, मर्क्यूरी जो है वो बहुत ही नज़दीक है, जुपिटर है वो बहुत बड़ा है, नेपच्यून है फर्देस्ट मीन्स नियरेस्ट का अपोजिट, बहुत ही दूर है। प्लैनेट फ्रॉम द सन वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस जो है वो बहुत ही हॉटेस्ट प्लैनेट है। सो द मून नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है, मून जो है अर्थ का नेचुरल सेटेलाइट है। द मून इज ऑल्सो सेलेस्टियल बॉडी इन द स्पेस एंड पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। द मून इज द ओनली नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ। इट इज स्मॉलर इन साइज इन कंपेरिजन विद द अर्थ। अर्थ को कंपेरिजन करते हैं तो वो बहुत ही छोटा सा है अर्थ से, और ये अर्थ का नेचुरल सेटेलाइट है। और यहाँ पे है, इट कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ द अर्थ इन 28 डेज। वो अर्थ का गोल गोल चक्कर कर लगाता है। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट, इट शाइन्स एज रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन दैट फॉल्स ऑन इट। उसको स्टार के जैसे खुद का हीट एंड लाइट नहीं है, वो सन का रिफ्लेक्शन की वजह से शाइन होता है। द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप डे बाय डे, दीज चेंजेस आर नोन एज द फेजेस ऑफ द मून। डे बाय डे मून चेंजेस होता है, 28 डेज का जो उसका रोटेशन होता, उसका जो घूमने का रेवोल्यूशन होता है वो उसमें चेंज होते जाते हैं। द समटाइम्स वी डू नॉट सी द मून एट ऑल इन द स्काई, इट इज़ नोन एज द न्यू मून और द अमावस। आपको अमावस के दिन बिल्कुल चंद्र नहीं दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अमावस। 2 डेज आफ्टर अमावस्या द लाइटेड फेस ऑफ द मून, यहाँ पे देखिए द मून इंक्रीज, सो वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू सी द ब्यूटिफुल
क्रिसेंट मून इन द स्काई। अमावस के दो दिन के बाद एक छोटा सा लाइन सा एक ब्राइटनेस दिखता है, लाइटेड मीन्स चमकता हुआ स्पेस में दिखता है आपको, उसको हम क्रेसेंट मून इन द स्काई। क्रेसेंट मून इज द कर्व शेप ऑफ द मून दैट वी सी। क्रेसेंट मीन्स कर्व शेप, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हुआ शेप मिलता है, उसको हम क्रेसेंट मून बोलते हैं। विद इन इन अ इंटरवल 15 मिनट द विजिबिलिटी ऑफ द मून ग्रेजुअली इंक्रीज, वी सी द मून कंप्लीट राउंड ब्राइट फुल मून विच इज ऑल्सो कॉल्ड पूर्णिमा। सो सिंस देन विजिबिलिटी द मून स्टार्ट डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। जैसे अमावस के बाद मून का उसका बढ़ने का साइज बढ़ता हुआ जाता है, जब फुल मून होता है तो पूर्णिमा के दिन मून जो है बहुत बड़ा दिखता है। ये जो शेप है एक क्रिसेंट मून का है। आर्टिफिशियल सेटेलाइट, मैनी आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स हैव बीन सेंट ऑन द इन टू द स्पेस बाय द साइंटिस्ट। दीज आर क्वाइट हेल्पफुल टू अस इन मैनी वेज। ये जो नेचुरल सेटेलाइट जो होते हैं, सॉरी आर्टिफिशियल सेटेलाइट, वो हमें बहुत ही हेल्प करते हैं। जैसे हम टीवी देखते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर देखते हैं, तो हमें सेटेलाइट से हेल्प मिलता है। आर्यभट्टा एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट ऑफ द इंडिया बिफोर बीइंग सेंट टू स्पेस। आर्यभट्टा ये हमारा मैनमेड आर्टिफिशियल सेटेलाइट है। Do you know two astronauts from the USA named Neil Armstrong and Edwin Aldrin landed on the moon? USA के दो astronauts moon पे land हुए थे। They took many photographs of the earth from the space and brought back the samples of rock from the moon. वो moon का जो वो जो है moon ऊपर गए थे तो earth का pictures वहाँ से निकाले और बहुत ही छोटे छोटे और उधर का सैंपल भी लेके आए हैं। रॉक फ्रॉम द मून, मून के एरिया में जो मिलता है वो सभी वहाँ से लेके आए। इंडियन एस्ट्रोनॉट अवर प्राइड, हमें प्राउड फील होना चाहिए, हम भी एस्ट्रोनॉट, हमारे पास भी है। वी आर प्राउड ऑफ अवर एस्ट्रोनॉट्स, द इंडियन एस्ट्रोनॉट्स राकेश शर्मा एंड कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो इन टू द स्पेस। राकेश शर्मा, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स भी यूएसए के लोगों की तरह हमारे यहाँ उनको भी अपॉर्चुनिटी मिला है स्पेस में जाने का। ओके, सो नेक्स्ट वन इज क्विक रिव्यू हम रीड करेंगे। द यूनिवर्स इज अ ह्यूज एंडलेस एक्सपेंशन ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। द सन इज अ स्टार। द अर्थ इज प्लैनेट विच ऑफ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट इन 365 days 1/4 days एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन 24 hours फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द मून इज द ओनली नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ। द प्लैनेट शाइन एंड रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट। अवर अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। Due to the presence of water, air, soil and suitable temperature, the earth has life on it. Student, this is all about our chapter 1. So, I hope you all submitted your textbook and worksheet and your notebooks. So, you will not get any answers to copy from your books. So, I am sending you answers. So, you have to right there. The galaxy is the largest group of what? What is the answer? We started our revision sheet. First answer is stars. Okay, our answer is C. C is our answer. Galaxy, second one, which of the heavenly bodies given below is the biggest in size? कौन सा ऐसा है biggest size में है? Sun. Sun is in a biggest size. How many stars are in Great Bear constellation? 7 stars. Okay, 7. So what do we call the bright full moon is Purnima. What do we call the moment of the earth is revolution. Okay, next one is
विच इज द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ मून. हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन राउंड सन का राउंड करने के लिए बी 365 और अपने आप राउंड करने के लिए 24 आवर्स. फिल इन द ब्लैंक्स. द मून रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. लाइट ऑफ द क्या आता है आंसर यहाँ पे. सन. ओके. वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ विच इज द टाइनी पार्ट ऑफ द गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे. सो थर्ड वन इज वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ऑब्जर्व द स्टार्स इज टेलीस्कोप. सो अवर अर्थ इज अ डैश ऑफ द सोलर सिस्टम प्लैनेट. ओके. द अर्थ इज अ डैश ऑफ द. फोर्थ वन इज अवर अर्थ इज अ डैश ऑफ द. सो वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉल्ड अर्थ कंप्लीट. अर्थ इज अ प्लैनेट. ओके. फोर्थ वन. So, fifth one is, wait children, so our sins, fifth one is, earth is a, our earth is a dash planet of solar system, the earth is a, the earth is a dash, हाँ वो भी आएगा, planet ही आएगा, the earth complete, इसको कट कर दो. ए फाइव इधर होगा. ए फिफ्थ वन हाफ लिखा है. द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रोटेशन 24 आवर्स. ओके. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. ओके. किस पे अर्थ पे क्या करते हैं वो. अर्थ जो है अर्थ से घूमता है. अर्थ के चक्कर लगाता है. ओके. Dash is the natural satellite of the earth moon. Planets and satellites do not have their own heat and light. LIGHT light. Okay. Next one is turn the page. Exercise 9. You have to write exercise 9. Moon completes one revolution of the earth in 28 days. In how many days? Aryabhata is an artificial, ARTIFICAL. Artificial satellite. Neil Armstrong and Edwin Aldrin landed on the moon. Crescent moon is the curved shape of the moon. Crescent moon is curved shape. Which shape? Crescent moon is curved. C-U-R-V-E-D. Curved. We see the very bright star in the north is pole star. Okay. Now, the moon does not have its own heat and light. True. The Great Bear is a constellation on the जू. ये भी ट्रू है. द मून इज अ बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैस इन द
स्पेस. नो इट इज अ फॉल्स. द सन इज अ स्टार. इट इज अ ट्रू. The moon, the sun is a star. The earth rotates from east to west. False. The earth moves around the moon. False. So, first one is galaxy. Galaxy is a fifth one. Galaxy is a Akash Ganga. फर्स्ट वन में फिफ्थ मैच होता है. ग्रेट बियर कॉन्सलेशन थर्ड. सेकेंड में थर्ड मैच होता है. फोर में सन इज अ स्टार. फोर मून सैटेलाइट सेकेंड वन. And fourth, Saturn, planet. Saturn is a planet. Now, solve the crossword puzzle by given clues. Model of the Earth is called what? फर्स्ट वन यहाँ पे M डबल ओ एन मून. ग्लोब जी एल ओ पी ई ग्लोब. यहाँ पे ई ए एस टी ईस्ट. एस ए टी यू आर एंड सैटर्न. जी ए एल एक्स वाई गैलेक्सी. ओके दिस इज अवर आंसर्स. यू हैव टू कंप्लीट till page number 1 to 5 in your revision sheet. I hope you all will do it very properly. Okay. Stay safe. Have a nice day.